के साथ। लंका थाना क्षेत्र के सुसवाए स्थित काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ग्राम सचिवालय पर दो दिवसीय डेंगू कैंप का आयोजन किया गया। दो दिनों के कैंप में दूसरे दिन लगभग 50 से 60 महिलाएं, पुरुष व बच्चों का ब्लड सैंपल लिया गया। कैंप में ब्लड सैंपल देने वालों के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सुसवाई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल ने बताया कि आज हमारे यहाँ दो दिन से मलेरिया के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें क्षेत्र की जनता आकर इसका लाभ ले रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में जगह जगह पानी इकट्ठा है, जिस कारण डेंगू रोग काफी तेजी से फैल रहा है। हम लोगों द्वारा डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए लगातार दवा का छिड़काव हो रहा है। इसके बाद भी जिन लोगों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं, उन्हें कैंप में बुलाकर उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, साथ ही उन्हें डेंगू की दवा दी जा रही है। हमारी में डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से फैल रहा है। जगह जगह पानी, बरसात का मौसम है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम लोग बराबर जो है कि डेंगू मलेरिया के लार्वा के छिड़काव भी करवा रहे हैं, और जो है कि कैंप भी लगाया गया है। जो भी ग्रामवासियों से जो भी जिन पॉजिटिव हैं, जिनको भी लक्षण है, वो आकर अपना जांच करवा ले रहे हैं। जांच करवा के उनको निःशुल्क दवा भी दी जा रही है और जांच भी निःशुल्क हो रहा है। हम लोगों का यही है कि हम लोग अपने ग्राम सभा से पूरी तरीके से, कितने जाँच हैं अब तक, लगभग 50 जाँच हो चुके हैं, और हम लोग का प्रयास है कि हम अपने क्षेत्र से पूरी तरीके से डेंगू और मलेरिया को खत्म करें। लगातार हम लोग का प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। कैंप के दौरान डॉक्टर नरेंद्र भारती, प्रभा शंकर सिंह, फार्मासिस्ट अरुण वर्मा, एलटी मंजू देवी, एएनएम नीरज सिंह, रेणु सिंह, रेखा देवी, निशा देवी, सुषमा देवी, आशा कार्यकर्त्री, प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू पटेल, सोनू पटेल, शैलेश वर्मा, आशीष सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सच के साथ।